लोगों ने क्यों मारा? मैंने की पता। तो किसको पता? सीप को पता। सोनिया। Hi guys, this is Menu Ki Pata. This is Premanand and welcome to the next episode of Menu Ki Pata. So बाहुबली के टिकट तो मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तुम्हें कुछ चांस था? तुम्हें ऑनलाइन वगैरह चेक किया, कुछ मिला तुम्हें? नहीं कहीं नहीं मिला बाहुबली का टिकट। तो किंग बाहुबली से मिलना तो मुझे लगता है और 3-4 दिन तो हो नहीं सकता, बट तब तक हमारे पास और एक किंग है खारगर में, पता है तुम्हें वो? नहीं। He's king of shakes. Wow. Basically वो बहुत awesome shakes बनाते हैं और वहाँ के मेन्यू तो बहुत अनएक्सप्लोरेबल है, तो वहाँ पे जाएंगे तो जाकर पहले एक्सप्लोर कर लिया? नहीं किया है। तुम्हें भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, मैंने तो पता ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे जाके पता चलेगा एग्जैक्टली मेनू में क्या क्या है। मैंने सुना है वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है एक ही जगह पे, तो जाके देखते हैं उनकी सल्तनत में। ओके चलो। तो हम आ चुके हैं किंग ऑफ शेक की सल्तनत में। कैसा लग रहा है बाहर से? बाहर से तो अच्छा लग रहा है, छोटा सा है मगर अच्छा है, क्यूट है, क्यूट है। हाँ, छोटी सी सल्तनत होगी। तुम्हें पता है अंदर क्या क्या मिलता है? मुझे भी नहीं पता अंदर क्या क्या मिलता है। शिव को बता, शिव को बता। अच्छा, यहाँ का बता दो, लोकेशन तो बता दो। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली ग्लोमैक्स मॉल के नज़दीक है, जिसके अंदर आइनॉक्स है और बहुत सारी चीजें हैं। लिटिल वर्ल्ड मॉल भी यहाँ से बहुत नजदीक है, जिसके अंदर हमें टिकट नहीं मिली बाहुबली की। जिसके अंदर हमें टिकट नहीं मिली बाहुबली की। ये रोड जाता है खारगर स्टेशन के लिए। यहाँ से आई थिंक वॉकिंग भी जाएंगे तो 5-10 मिनट लगते हैं। यहाँ से हाईवे भी बहुत नज़दीक है, सायन पनवेल हाईवे, इट्स लाइक 3-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो कनेक्टेड तो बहुत अच्छा है, मतलब सारी हैपनिंग लोकेशन है। मैं बहुत अभी क्यूरियस हूँ कि अंदर क्या क्या मिलेगा, तो आई थिंक अंदर जाके हमें देखना चाहिए। तो लेट्स गो। चलो, ओके, तो हम किंग ऑफ शेक के अंदर आ चुके हैं। यहाँ के वॉल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या लिखा है जरा पढ़ सकते हैं हम? एकदम जकार बिडू। अबे ढक्कन, तू क्या खर्चा पानी। यहाँ के वॉल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब यू कैन से कि यहाँ के वॉल्स भी कुछ बोल रहे हैं। खजूर बोले तो जकार सुमड़ी पे बदले। ओके, यहाँ पे गणेश उत्सव का एक क्रिएटिव लगाया हुआ है। यहाँ पे मुंबई लोकल दिखाई हुई है, डब्बा वाला दिखाया हुआ है। यहाँ पे दही हंडी दिखाई हुई है, वर्ल्ड फेमस दही हंडी। ओके, यहाँ पे पैंडोरा वर्ली सीलिंग भी है, तो सोनिया तुम्हें अगर कभी वर्ली जाना है तुम यहाँ आ सकते हो। बस क्या यार, तुम चल चल के जा सकते हो। बस क्या यार, यहाँ से कल्ची कब मारोगे? फूल दे रहा है क्या? चल मिलते हैं। राग मत दे। चल निकल ले अबे लंगूर। क्या हाल है बॉस? लोचा हो गया सुमड़ी में कर। ये बहुत ही गंदा बोला था, जो भी दुनिया ने बोला इग्नोर कर दी। बाड़ू है छोटे। तो सोनिया, चलो हम कुछ ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे मेनू कार्ड तो बहुत बड़ा है, इसमें मुझे सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे बर्गर दिख रहा है, हॉट डॉग दिख रहा है, गाजी को सैंडविच दिख रहा है, कटलरी, यहाँ पे पास्ता दिख रहा है, मुझे फ्राइड मुझे
गार्लिक की ही स्मेल से मुझे नूडल तंदूर दिखाई दे। तो अपना वो पूरा काम करते हैं, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ चिकन पेनी स्पाइसी रेड सॉस पास्ता। चिकन? यस चिकन। तो ये ऑल सब चिकन है? यस ऑल सब चिकन। और तुम ऑर्डर कर सकते हो, आई रिकमेंड यू चिली चीज गार्लिक टोस्ट, ये तुम ट्राई कर लो। नूडल्स भी ऑर्डर कर लेना मगर ये भी खा लो। ओके चिकन यहाँ आ चुके? नहीं मैं नहीं आ चुका हूँ, मैंने जोमेटो पे। ओके नूडल्स में क्या खाओगे? नूडल्स में समथिंग वेजिटेरियन विद गार्लिक फ्लेवर। तुम खाओगे तो वेजिटेरियन ही खाओगे। क्लासिकल मिल्क शेक ऑर्डर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट टेस्ट का पता चलेगा, बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा। तो एक बेसिक शेक में मैं सोच रहा हूँ कि मैं वैनिला मिल्क शेक और चॉकलेट बनाने एक और फ्लेवर भी ट्राई कर सकते हैं। फ्लेवर नहीं, तीन शेक ऑर्डर करते हैं, एक वैनिला, एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी। हाँ जो कैमरा पकड़ा है उसको भी कुछ देना पड़ेगा। तो चलिए ऑर्डर करें। ओके ओके तो खाना तो आ चुका है और सब पहले मिल्कशेक आया। हाँ मेरा भी मिल्कशेक आधा खत्म हो गया क्योंकि ये पहले आ चुका था और मेरे कैमरामैन का भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा हमने मंगाया था चिकन रेड सॉस पास्ता, दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कलर है आ रहा है इसको। इसने सुनिया ने मंगाया था हक्का नूडल जो हम पे खाने वाले, फ्रेंच फ्राइज दोनों को भी मिला है तो हम शेयर नहीं करने वाले। हमारे कैमरामैन ने ऑर्डर किया था चीज चिली गार्लिक टोस्ट सैंडविच, तो ये भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम भी खाने वाले हैं, राइट, हम भी खाने वाले हैं, कैमरामैन को कुछ नहीं देंगे। तो ट्राई करते हैं, देखते कैसा टेस्ट है। बेस्ट पार्ट अबाउट पास्ता है इसमें बहुत सारा चिकन है। तो हमारे साथ है यहाँ के चीफ शेफ मिस्टर शेफ पुष्कर। तो क्या बताइए पहले चीफ शेफ नाम क्यों है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट और आपका एग्जैक्ट विजन क्या है? बेसिकली एक जो मैंने कल्चर डिजाइन किया है फॉर ऑल एज ग्रुप ऑफ बैकग्राउंड, नॉर्मली इट्स लाइक जो फूड स्टफ है जो सारे जूसिंग बनाए गए हैं हाँ वो तो हमें, और जो भी शेप्स हैं फेवरेट प्लेस हैंड आउट प्लेस फॉर ऑल एज ग्रुप बैकग्राउंड फॉर द फेमस लिस्ट मेकिंग एंड जूसिंग एंड पास्ता। नो इट वाज रियली यम्मी, आई रियली रियली लाइक इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी शुड बी सेंड थैंक्स टू यू फॉर दैट। Or anything else you want to ask? Do you hold this restaurant open to by your family as well? Right now, the concept has even been not yet decided. Okay. And the process. Okay. So it will take couple more years, then I will establish, then I will expand. Okay. As of now, I'm training my family member. Oh, very nice. So they are the best partner, they are the best partner, my wife. सो गाइज वेलकम बैक फॉर द रिव्यू सेक्शन जो हमारा आखिरी सेक्शन है। पर उससे पहले हमें एक खेद प्रकट करना है। हाँ हमें एक खेद प्रकट करना है कि जब हम किंग ऑफ शेक में शूट कर रहे थे तब आई थिंक उसके बाजू के शॉप में कुछ तो ड्रिलिंग विलिंग चालू था, कुछ तो उनका रिनोवेशन चालू था। उनके किंग के बाजू में रहना है तो उनको भी तो कुछ अच्छा करना है, इसलिए वो थोड़ा रिनोवेशन कर रहे थे। तो उसकी वजह से बीच में ऐसा कुछ आवाज़ आएगा वो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। हमारे आवाज़ वैसे भी क्लियर आ रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा ये एडिट वेडिट कुछ करते नहीं है। हम कोशिश करेंगे उस आवाज़ को कम करने की, अगर जो भी आवाज़ आएगा जैसे ये ट्रेन का आवाज़ आ रहा है वैसा ही आवाज़ आता रहेगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और ये हमारे सब्सक्राइबर की ट्रेन जा रही है, इतने सारे सब्सक्राइबर।
सब्सक्राइबर है, देख सकते हो आप। इसके अलावा हमने, हाँ, रिव्यू सेक्शन मेन काम तो भूल ही गया। रिव्यू में हमने क्या क्या खाया था, हमने पहले खाया था चीज गार्लिक टोस्ट, सॉरी चीज गार्लिक, ओके चीज चिली गार्लिक टोस्ट सैंडविच, ये चार चीजें खाई हमने। चार नहीं, वो एक है। हाँ, एक ही चीज है। तो उसका एक्चुअल में उसके अंदर जो भी बहुत सारा चीज था, हाँ, बहुत सारा चीज था और गार्लिक फ्लेवर भी था, गार्लिक फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा था और उसके अंदर जो भी फीलिंग था वो काफी जूसी था, है ना? Yeah, हमारे हमारे हाँ हमारे वीडियोग्राफर ने भी वो खा लिया था। एक्चुअली उसी का ऑर्डर था। हाँ. इसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज खाई, वो ओके थी, मतलब वो नॉर्मली जैसे फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, एग्जैक्टली फ्रेंच फ्राइज में कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते, वो फ्रेंच ही है। अदर देन दैट हमने खाया था, मैंने खाया था रेड सॉस पास्ता, चिकन, उसमें एक मुर्गी भी थी, वो मुर्गी काफी टेस्टी थी और उसमें बहुत सारी मुर्गी थी एक्चुअली, मतलब जितना पास्ता था उतना चिकन था, मुर्गी मत बोलो, यू जस्ट कॉल इट चिकन ही रहे, मुर्गी सुन के बहुत अच्छा लगता है। उसमें बहुत ही जबरदस्त चिकन था, उसका फ्लेवर ऑसम था, उसमें बहुत अच्छा टोमेटो सॉस था, मुझे अभी भी याद करके मजा आ रहा है। याद करके अच्छा। हाँ। और मैंने खाया नूडल विद लॉट ऑफ नूडल से खाया नूडल विद लॉट ऑफ थोड़ा सा टेस्ट किया था। तुम कभी कुछ छोड़ते हो? हाँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता, चोर। हाँ, चोरी की थी मैंने। तो हक्का नूडल भी मुझे अच्छा लगा, उसमें बहुत सारी सब्जियां थी, उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दिए थे उन्होंने, जो जो मिला वो डाल दिया था, ऐसा लगा मुझे। हाँ। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था, फूड वाज गुड, मिल्कशेक्स वाज आल्सो गुड, और वो हमने पहले ही खत्म कर लिया। एग्जैक्टली, क्योंकि शेक्स पहले आ गए थे ऑर्डर करने के बाद, पहले बन गए थे, तो हमने सोचा था कि हम ये खाने के साथ खाएंगे, मगर गर्मी आप देख रहे हो कितनी सारी है, तो हमने पहले वो शेक थोड़ा करके पूरा खत्म कर लिया। और इसी के साथ हमारा रिव्यू सेक्शन, नहीं नहीं नहीं, और एक चीज बची है। अच्छा, हमने पैसे कितना खर्च किया? और पैसा हाँ, कितना हमने टोटल खर्च किया? 824 रुपीज विद दैट उन्होंने कूपन भी दिया। हाँ, यहाँ की स्पेशलिटी कि ये लोग हमें कैशबैक के कूपन देते हैं। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम विजिट करेंगे तो वो कूपन वी कैन रिडीम इट, एंड दोस कूपन 120 120 तो बेसिकली ये सिलसिला चलता रहे, बहुत सिलसिला चलता रहेगा और इससे आप खाते रहो, मजेदार है। कॉस्ट ओके थी, थोड़ी सी हायर साइड थी, मगर हमने उसमें बहुत कुछ खाया था यार। हाँ, सैंडविच खाया था और क्वांटिटी देखा था तुमने, चीज दबा के डाला, मेरे हिसाब से नूडल दो लोग खा सकते हैं, चिकन पास्ता में पूरा ऑलमोस्ट, तुमने कहा ना कि कितनी सारे चिकन पीसेस, राइट नूडल में, तो क्वांटिटी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, क्लीननेस है पूरी, और ये सब स्पेशल बात है, हम जिस भी जगह अब तक गए हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है, और खाना पीना जो भी है वो बहुत ही क्वालिटी वाइज तो बहुत ऑसम है, इवन अदर टेस्ट वाइज तो प्रॉब्लम नहीं है यार, इतना पे करें, आई मीन यू गो विद योर फैमिली वंस इन अ व्हाइल, फ्रेंड्स, हमने अभी आपके लिए इतना सारा खाया, अदरवाइज अगर हम जो हक्का नूडल भी खा लेते तो आई थिंक 200-300 में हम दोनों का खाना हो जाता, तो उसमें ज्यादा मतलब कॉस्ट तो ओके थी मेरे हिसाब से, तो कॉस्ट का इतना इशू नहीं था, एम्बियंस अच्छा था, उन्होंने वॉल पे कुछ ग्राफिक करने की कोशिश की थी, हाँ वो हमने पढ़ के दिखाया, बहुत ही अजीब तरीके से, वो मुंबई की लैंग्वेज है, जकास। तो जो भी था वो मतलब उन्होंने अटेम्प्ट अच्छा किया, इतने से छोटे से जगह को कुछ अच्छा बनाने के लिए कोशिश की उन्होंने, वो खुद शेफ है तो उनको पता है उनका खाना कैसे बनाना चाहिए, तो वो तो हम कोई उनके बारे में बता नहीं सकते। अच्छा, वो शेफ है ना? हाँ, वो शेफ है, वो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे काम कर चुके हैं, और उनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, उनकी वाइफ और वो दोनों साथ रेस्टोरेंट चला रहे हैं, नाइस, दैट्स अ क्यूट प्ले आइडिया, राइट, ओके, एनीवेज, अभी मैं बोलूंगा कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए, हम कह रहे हैं इसलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, बाद में फिर आपका डिसीजन है, आपको अच्छा लगता है, टेस्ट तो हर चीज़ की अलग अलग होती है, मुझे कुछ अच्छा लगता है, सोनिया को कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता होगा, इसलिए हम कहते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में कि हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ आपका रिव्यू भी बताइए, आप अगर उस जगह पे गए हो तो आप भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ का ये ट्राई किया है और आप ये ट्राई कीजिए, तो हमारे लिए भी इजी रहेगा, हम आगे जाके जब भी जाएंगे वहाँ पे तो वो चीज़ जरूर ट्राई करें। हाँ जी, जरूर जरूर, ये आइडिया मुझे आपका बहुत ही कमाल लगा, ये मैंने अभी सोचा इंस्टेंट, यस, तो ऐसे इंस्टेंट बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, आगे भी 4 एपिसोड हो चुके हैं, 5th एपिसोड, 4 एपिसोड, 5th एपिसोड आएगा जल्दी ही,
मुझे भी नहीं पता, पता है कद्दू। अरे हर बार ये 800 600 700 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं है, तो किसके लिए खर्च करेंगे? करेंगे प्लीज हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो प्लीज कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट तो सोनिया कर चुकी है, अब कुछ दिनों के बाद मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा, उससे इसके पहले जब मैं रिक्वेस्ट मोड में हूँ तो आप कर ही लीजिए। आपके पास जियो का सिम कार्ड ये मुझे पता है, आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें, ये भी मुझे पता है, तो क्यों चिंगू दे तो किस चीज के पैसे बचा रहे हो यार? मोबाइल का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा, कर लो ना भाई, उतना तो कर ही सकते हो। फ्री में आपको फूड रिव्यू दे रहे ना, ये आई एम श्योर अगर आप विजिट करेंगे तो आप हमें गालियां नहीं खुशी दिखाएंगे, आप खुशी दिखाएंगे। मेरा अकाउंट नंबर शेयर करो, ये ट्रांसफर करते रहेंगे, ये भी अच्छा आइडिया। तो प्लीज आप हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम आपको फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। कब मिलेंगे? मेनू की पता, मेनू की पता। तब तक बाय।